भाई अगर शॉर्ट वीडियो को वायरल करना चाहते हो ना, मिलियंस में व्यूज लेना चाहते हो, तो बस ये दो चीजें सीख लो। सच बता रहा हूँ, एक चीज मैंने अभी इतनी तगड़ी चीज देखी ना, और वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। आप लोगों को भी लगेगा कि भाई अगर ये चीज हमसे आ गई तो हम अभी मिलियंस में व्यूज छापेंगे। भाई लोग देख सकते हो मैं अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पे आ चुका हूँ। आप लोग अगर ये चीज सीख गए ना तो आपकी हर वीडियो वायरल होगी, हर वीडियो। और ये चीज मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि शॉर्ट वीडियो भाई पूरा माइंड का गेम होता है, पूरे इसी यहीं से वायरल होती है। अगर आप लोग एक बार ये सीख गए कि किस तरीके से ऑडियंस को अट्रैक्ट करना है, किस तरीके से हमको अपनी शॉर्ट वीडियो पे क्लिक्स लेने हैं, जी हाँ क्लिक्स की बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। ये चीज़ आप ध्यान रखना, आगे आप लोग को बताऊंगा। आप लोग ये चीज देख सकते हो मैं अपने YouTube एप्लीकेशन पे, आप लोग यहाँ देखो इसे एक शॉर्ट वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज हैं। क्यों है इस वीडियो पे 15 मिलियन व्यूज? सिर्फ इस वीडियो के थंबनेल की वजह से। आप लोग देख सकते हो इस बंदे ने भाई इतना तगड़ा सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है ना इस थंबनेल में। ये देखो इसने क्या लिखा हुआ है, मतलब एक सर्कल सा बनाया हुआ है इसने कि नीचे कुछ पड़ा हुआ है। मतलब बंदा ना चाह के भी भाई इस शॉर्ट वीडियो पे क्लिक करेगा ही करेगा। मैं भी कर चुका हूँ, मैं भी इस वीडियो को देख चुका हूँ, और अगर आपके सामने आएगी तो भाई आप भी शॉर्ट वीडियो को जरूर देखोगे। और मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड करते हो तो पहले YouTube आपकी शॉर्ट वीडियो को कुछ इस तरीके से ही दिखाता है। अगर यहां से क्लिक्स आ जाते हैं, अगर यहां से अच्छे क्लिक्स आ जाते हैं, उसके बाद आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में दिखाई जाती है। तो यहां से क्लिक्स कैसे आएंगे? यहां से क्लिक्स आएंगे शॉर्ट वीडियो के थंबनेल से। अब अगर आपको नहीं पता आपकी शॉर्ट, आपको शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल कैसे लगाने हैं, तो यार आप मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको उसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो लेके आ जाऊंगा। मैं जानता हूं कई लोगों के थंबनेल लगाने का ऑप्शन जो है तो वो शो नहीं हो रहा YouTube स्टूडियो में, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट में बताओ, मैं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन उसका निकाल के आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा उसकी। तो ये तो हो गया देखो थंबनेल का। थंबनेल आप लोग को लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है एक शॉर्ट वीडियो को वायरल करने के लिए, जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आती है वो आती है भाई शॉर्ट वीडियो का टाइटल। मैं आप लोगों को पहले भी कई बार बता चुका हूं कि भाई शॉर्ट वीडियो को वायरल करने का राज जो है भाई अपलोडिंग में छुपा है। जब तक आप स्मार्ट वर्क नहीं करोगे ना, शॉर्ट वीडियो पे आपके कभी व्यूज नहीं आने वाले, हमेशा आप लोग व्यूज के लिए रोते रहोगे। व्यूज आपके कब आएंगे? जब आप लोग स्मार्ट वर्क करना शुरू। कैसे करोगे मैं आप लोग को बताता हूं। अब बेसिकली मैं इस वीडियो में आप लोग को यह बताऊंगा किस तरीके से आपको टाइटल डालना है अपनी शॉर्ट वीडियो में, एक वायरल टाइटल कैसे डालना है जिससे आपकी शॉर्ट वीडियो शॉर्ट फीड में जाए, आपकी शॉर्ट वीडियो को रीच मिले और उस पर व्यूज आए। कैसे डालना है मैं आप लोग को बताता हूं। आप लोग देख सकते हो मैं अपने यूट्यूब स्टूडियो एप्लीकेशन में आ चुका हूं। यहां पे आने के बाद मैंने अपनी शॉर्ट वीडियो को ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। मैं इस वीडियो में आपको अपलोड करके नहीं दिखाने वाला किस तरह अपलोड करते हैं, वो आप लोग अपने यूट्यूब एप्लीकेशन से क्रिएट अ शॉर्ट पे क्लिक करके अनलिस्टेड करके उसको अपलोड कर लेना। आप लोग देख सकते हो मेरी ये शॉर्ट वीडियो अभी भी अनलिस्टेड है। अब मैं आप लोग को बताऊंगा कि शॉर्ट वीडियो पे टाइटल कैसे डालना है, ऐसा टाइटल कैसे डालना है जिससे YouTube आपकी शॉर्ट वीडियो को शॉर्ट फीड में भेजे और आपकी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज आए। अभी लाइक सपोज करते हैं मेरी शॉर्ट वीडियो का टाइटल है शॉर्ट वीडियो को एडिट कैसे करें, ये नहीं रखते, चलो गेमिंग का रख लेते हैं क्योंकि गेमिंग ऑडियंस भी बहुत सारी है हमारे पास। गेमिंग वालों भी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि भाई हमारी वीडियो वायरल कैसे होगी। अभी इसका हम टॉपिक रखते हैं BGMI TDM गेमिंग, ठीक है, कुछ इस तरीके से रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं सबसे पहले जो है इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद मैं जाता हूँ अपने YouTube एप्लीकेशन में। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमको जो है अपना इनक्रोग्निटो मोड ओपन करना है, या फिर आप YouTube साइन आउट वाला भी यूज कर सकते हो। मैंने अपनी YouTube साइन आउट वाला यूज किया हुआ है। यहाँ पे आपको आगे सर्च करना है BGMI, मतलब जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है, लाइक हमारी वीडियो का टॉपिक है BGMI TDM गेमिंग, ठीक है, TDM गेम प्ले, चलो ये रख लेते हैं। उसके बाद आपको अपने शॉर्ट्स वाले पोर्शन में आना है। जैसे आप लोग ये सर्च करोगे आपको शॉर्ट्स वाले पोर्शन में आना है, एंड यहाँ पे आपको देखने की सबसे ज्यादा व्यूज किस वीडियो पे है, आपको कुछ इस तरीके से देखना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक शॉर्ट वीडियो है जिसपे 1.4 मिलियन व्यूज है। इस बंदे का भाई टाइटल देखो आप लोग, यहाँ से आप लोग को आइडिया लेना है कि किस तरीके की शॉर्ट वीडियोज अभी चल रही है, यूट्यूब किस तरीके की शॉर्ट वीडियोज को वायरल कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस बंदे ने किस तरह का टाइटल डाला हुआ है, मतलब एक बहुत छोटा सा टाइटल, और बाद में बस हैशटैग शॉर्ट्स भी नहीं लिखा हुआ है इस भाई ने, अपना कोई इसका हैशटैग होगा वो लगाया हुआ है। टाइटल डालने के बाद इस बंदे ने डिस्क्रिप्शन में क्या डाला हुआ है आप लोग को बता दूं, देखो GMI इस गेमिंग से रिलेटेड वर्ड्स डाले हुए हैं जिससे ये वीडियो यहां पे रैंक कर रही है। अब हम भी इस वीडियो को यहां पे ढूंढते हुए आ गए ना, हमने क्लिक किया, एक व्यू बढ़ गया इसका। क्यों बढ़ा? क्योंकि इस बंदे की वीडियो यहां पे रैंक कर रही है, इस बंदे की वीडियो इस टॉपिक पे जो हमने सर्च किया इस कीवर्ड पे रैंक कर रही है। और क्यों रैंक कर रही है? क्योंकि इसने डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरीके का डाला हुआ है, इस बंदे ने टाइटल कुछ इस तरीके का डाला हुआ है, और इस बंदे ने टैग्स में भी ये कीवर्ड्स डाले हुए होंगे, तभी इस बंदे की वीडियो रैंक कर रही है। बट आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि आपकी शॉर्ट वीडियो का टॉपिक सर्चेबल भी है या नहीं। सर्चेबल टॉपिक किस तरह के होते हैं? जैसे हमने ये सर्च किया, जो बंदे सर्च करते हैं, लाइक मैं वीडियोस बनाता हूँ कि शॉर्ट्स वायरल कैसे करें, तो मेरा टॉपिक सर्चेबल है। अब आप वीडियो, आप अगर किसी शायरी के ऊपर वीडियो बनाते हो तो आपका टॉपिक सर्चेबल नहीं रहेगा। शायरी जो है सर्चेबल होती हैं चीज़ें, बट कोई आपकी एक आपकी वीडियो सर्च नहीं करेगा, ठीक है, बल्क में वीडियोज दिखाई जाएंगी उनमें से बंदा देख लेगा। तो अगर आपका सर्चेबल टॉपिक है स्पेशली,
तब आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी वीडियो को कहीं ना कहीं सर्च में लाना है। सर्च में किस तरीके से लाना है, आपको एक अट्रैक्टिव क्लिकेबल टाइटल डालना है। सबसे पहले तो थंबनेल अच्छा लगाना है आपको, क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे थंबनेल भी मैटर करता है। और दूसरी चीज़, आपको अपनी शॉर्ट वीडियो पे जो है क्लिक की टाइटल लगाना है, और भाई ट्रेंडिंग टैग्स भी डालने हैं आपको। ट्रेंडिंग टैग्स कैसे लेने हैं वो मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक वीडियो में बताया हुआ है, मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ। आपको अपने किसी भी ब्राउजर पर जाना है, यहाँ पर आगे आपको सर्च करना है रैपिड टैग्स, ठीक है। मैंने ऑलरेडी सर्च किया, मैं इसको ओपन करता हूँ। उसके बाद आपको यूज टूल फॉर फ्री पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे ये वेबसाइट एकदम फ्री है, यहाँ पे कोई प्रीमियम नहीं देना होता आपको। यहाँ पे आके आपको अपनी वीडियो का टॉपिक सर्च करना है, जो भी आपकी वीडियो का टॉपिक है। लाइक हमारी वीडियो का टॉपिक क्या था, मैं अपने YouTube एप्लीकेशन में जाता हूँ। हमारी वीडियो का टॉपिक था BGMI TDM गेम प्ले। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आके इसको पेस्ट करता हूँ, उसके बाद सर्च करता हूँ। अब ये जो वेबसाइट है भाई, ये वेबसाइट आपको ट्रेंडिंग सर्चेबल टैग्स दे देगी, मतलब सर्चेबल कीवर्ड्स दे देगी, जो अभी के टाइम पे बंदे सर्च कर रहे हैं, जो अभी के टाइम पे बंदे सर्च करके वीडियो देख रहे हैं, जिससे आपकी वीडियो रैंक करेगी और आपकी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आएंगे। आपकी शॉर्ट वीडियो भाई कहीं ना कहीं देखी जाएगी और आपकी शॉर्ट वीडियो पे व्यूज़ आएंगे, और इसी तरीके से वीडियोज़ वायरल होती हैं। जब यूट्यूब को लगता है कि कोई इस बंदे की वीडियो सर्च करके देख रहा है, तो वो यूट्यूब उस वीडियो को और ज़्यादा रीच देता है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो है सारे सर्चेबल कीवर्ड्स आ चुके हैं। नीचे से हमको इनको कॉपी करना है, यहाँ से कुछ कट भी करना चाहते हो, लाइक कोई कीवर्ड आपकी वीडियो के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा, कोई आपकी वीडियो के टॉपिक से बाहर चला गया, तो यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हो। फिर आपको यहाँ से इसको कॉपी करना है और अपने YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन में जाना है, और वीडियो के टैग्स वाले पोर्शन में जाना है, यहाँ पे आके आपको इसको पेस्ट कर देना है। अभी लाइक हमारे पेस्ट हो गए, यहाँ पे पेस्ट करने के बाद आपको सेम यही टैग्स डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट करने हैं, जैसे उस बंदे ने किए हुए जिसकी वीडियो मैंने आप लोग को यूट्यूब पे दिखाई। और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको फिर इनको, अगर चाहो तो आप ये कुछ इस तरीके से कोमा से डॉट हटा सकते हो, तो ये आपकी वीडियो, आपका डिस्क्रिप्शन और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब मैं आप लोग को एक चीज़ और बता दूँ, जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर देते हो, लाइक आपने टाइटल भी डाल दिया, डिस्क्रिप्शन कंप्लीट डाल दिया, टैग्स भी डाल दिए, तो उस वीडियो को एकदम से पब्लिक मत किया करो, उस वीडियो को थोड़ी देर अनलिस्टेड रखा करो, जिससे यूट्यूब का एल्गोरिथम आपकी वीडियो को अच्छे से एनालाइज कर सके, ये किस तरह की वीडियो है, हमको इस वीडियो को किस ऑडियंस को दिखानी है, किस सब कुछ। भाई टाइम लगता है हर चीज़ में। ओके, तो यार आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इन्फॉर्मेटिव हो। इफ यस, तो यार अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कुछ पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बोलो, मैं आप लोग को रिप्लाई दे दूंगा।